वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रिपेयर करने वाले हैं चाइना की एक्सटेंशन लीड। इससे पहले भी हम एक लीड को रिपेयर कर चुके हैं, बट वो थोड़ी बेहतर क्वालिटी की थी। ज़्यादातर मार्केट के अंदर ये वाली क्वालिटी मिलती है और ये जल्दी ही ख़राब हो जाती है। अभी जो हमारे पास ये लीड है, ये भी हम प्लग इन करके आपको दिखा देते हैं। ये लीड ने जो है वो काम करना छोड़ दिया है, बिल्कुल भी ये वर्किंग नहीं कर रही। अभी आप देख सकते हैं किसी भी सॉकेट के अंदर ये करंट शो नहीं कर रहा। दोस्तों, ज़्यादातर ऐसी लीडें जब ख़राब होती हैं तो उनको बहुत से लोग डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं, मगर बहुत ही कम वक्त में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल बंदा भी इसे बहुत आसानी से रिपेयर कर सकता है। अब आप देखिए कि इसका मैकेनिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा लोकल है, इसी वजह से ये लीड जो है वो ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं और किसी भी हैवी काम में ये लीडें इस्तेमाल नहीं हो सकती। यही वजह है कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ये चाइना की जो एक्सटेंशन वायर होती है ख़ासतौर पे, ये आप परचेज़ ना किया करें, क्योंकि ये लीड जो है सस्ती पड़ती हैं। इस वजह से बहुत सी कंपनीज जो अपने साथ अपने प्रोडक्ट के साथ एक्सटेंशन वायर दे रही होती हैं, वो ज़्यादातर इसी किस्म के एक्सटेंशन वायर होते हैं चाइना वाले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये स्विच ख़राब है, क्योंकि फिज़िकली जो है हमें कहीं भी ब्रेक नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा मानना यह है कि ये स्विच ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी एक्सटेंशन वायर नहीं चल रही। अच्छा जी, एक और चीज़, क्या हमने जब भी इस लाइट को रिपेयर करना है तो इस चीज़ को हमने चेक कर लेना है कि सारे जो कनेक्शन हैं वो कहीं से लूजिंग ना हो। अगर कहीं से कनेक्शन की लूजिंग होती है, कोई जॉइंट लूज़ होता है, तो वहीं से वो स्पार्क करेगा और ख़राब हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके स्विच को जो है वो निकाल दिया है, ऑन ऑफ का स्विच को। ज़्यादातर यही ख़राब होते हैं लीड्स में, तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप बजाय इसके कि पूरी लीड उठा के फेंक दीजिए, उससे बेहतर ये है कि आप उसे एक दफ़ा खोल के चेक कर लीजिए। बहुत ही छोटी छोटी सी कभी कभार मसले होते हैं जो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब सिंपली हम इस तार को छील लेंगे और इसे जो है वो कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यूँ समझ लीजिए ये आपके हमने जो इसका स्विच था उसे बाईपास कर देना है। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, जब भी आपकी कोई एक्सटेंशन वायर ख़राब होती है और आपने उसे चेक करना है, तो फिर आप सबसे पहले प्लग को चेक कीजिए। उसका प्लग जो है वो ख़राब तो नहीं है, फॉल्टी तो नहीं है। प्लग खोल के चेक करने के बाद आप वायर चेक कीजिए कि कहीं से वायर ब्रेक तो नहीं है, और उसके बाद आपने अंदर उसको खोल के चेक करना है कि कहीं से कनेक्शन जो है वो उसके ख़राब तो नहीं हुए, टूट तो नहीं गए। अब यहाँ पर एक इंडिकेशन के लिए लाइट भी दी गई है, उसे हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया है। पॉसिबल यह है कि ये लाइट जो है वो सही हो। अगर लाइट सही नहीं होती है तो फिर बाद में हम उसे भी रिप्लेस कर देंगे। अभी हमने सिंपली जो है वो थोड़ा सा उसको सोल्ड कर देना है। सोल्डिंग आयरन आपके घर में अगर मौजूद ना हो तो आप तार को छील के उसे अच्छी तरीके से जो है वो ट्विस्ट कर दीजिए, तो भी आपकी ये लीड जो है वो करामत हो जाएगी। और मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने कभी सोल्डिंग आयरन को यूज़ नहीं किया और उसे बहुत मुश्किल समझते हैं, तो आप यकीन मानिए कि एक दो दफ़े की प्रैक्टिस में ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, कनेक्शन हम कर चुके हैं। अब जो हमारा ये फॉल्टी स्विच है, ये हम वापसी लगाएंगे इसको एज अ डमी के तौर पे, क्योंकि खाली हम नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर आप एक बात को नोट कीजिए कि ये स्विच को मैं चेंज भी कर सकता था, बट क्योंकि ये स्विच ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। फिर भी आप चाहें तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके जहन में जिसकी रिपेयरिंग आप सीखना चाह रहे हों, तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये लीड काम भी कर रही है या नहीं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्किंग में आ चुकी है और अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह आप चाइना वाली एक्सटेंशन वायर को भी बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।
अगर आपको कोई सवाल होता रिगार्डिंग तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।